हिमाचल के जिला कांगड़ा में नगरोटा सूर्या पोंग बांध युवा समिति ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष तेज कर दिया है, जिसे लेकर आज पोंग बांध विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर हाथों में बैनर लेकर एक विशाल रैली निकाली। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 47 वर्षों से पोंग बांध विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है तथा विस्थापन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो उन्हें विस्थापितों की याद आती है और बाद में भूल जाते हैं, लेकिन अब विस्थापित चुप रहने वाले नहीं है तथा उन्हें जो पहले प्रथम चरण में आरक्षित जमीन दी गई थी वही भूमि उन्हें मिलनी चाहिए या फिर उसके स्थान पर उन्हें मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार सोई हुई है, जबकि राजस्थान सरकार अवैध तरीके से अपने लोगों को हमारे विस्थापितों की भूमि अलॉट कर रही है। पोंग विस्थापितों ने चेताया कि अगर उनकी मांगों को शीघ्र हल नहीं किया गया तो शीघ्र ही DCRN के कार्यालय का घेराव करेंगे और धरना देंगे तथा आने वाले चुनावों में बहिष्कार करेंगे। किसी भी नेता को अपने गाँव तथा घर में घुसने तक नहीं देंगे। सारा पोंग डैम वासियों का हिमाचल सरकार से निवेदन है कि हमें जो राजस्थान में प्रथम चरण में पोंग बांध विस्थापितों के लिए रक्षित की गई भूमि है, हमें केवल वो ही भूमि दी जाए। द्वितीय चरण की भूमि हमें मंजूर नहीं है, जिसमें कि कोई भी सुविधा नहीं है, बिजली, पानी, सड़क। आज जो द्वितीय चरण में भूमि दी जा रही है वो केवल भारत पाक सीमा पर स्थित है और ट्राइबल इलाकों में दी जा रही है, जहाँ आने वाले कई वर्षों तक भी वहाँ सुविधाएँ नहीं पहुँच सकेंगी। और अगर राजस्थान सरकार ये नहीं कर सकती है तो हमें 48 सालों का वित्तीय मुआवजा और प्रथम चरण की मार्केट वैल्यू की भूमि का मुआवजा दिया जाए। और हिमाचल सरकार से विशेष अनुरोध है कि वो हमारी वाजिब मांगों को तो माने। राजस्थान सरकार अपने लोगों की अवैध मांगों को मानती है, उनका समर्थन करती है, मगर हिमाचल सरकार हमारी वाजिब मांगों को नहीं मानती है, हमारा समर्थन नहीं, अपने नागरिकों का वो समर्थन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है हिमाचल सरकार? क्यों वो कोई उनको कोई दबाव है, किसी का कोई डर है? हमारी विशेष अनुरोध है हिमाचल सरकार से कि अपने नागरिकों का, अपने विस्थापितों का वो समर्थन करे और उनके हितों की रक्षा करे। हमारा यही मुद्दा है कि हमें जो रक्षित की गई हमारी भूमि पोंग डैम वासियों के लिए 2.20 लाख एकड़ जमीन वो ही हमें दी जाए। उसके अलावा फेज टू में जो अलॉटमेंट की जा रही है वो बंद की जाए, वो हमें नहीं चाहिए। जहाँ वो जमीन नहीं है तो उसके अलावा हमें मुआवजा दिया जाए, 48 सालों का वो कंपनसेशन दिया जाए और मुआवजा, यही हमारी मांग है। और इसके अलावा हम सेकंड फेज में भूमि नहीं लेना चाहते, जो ना जो है ना उसमें पानी लगता है, ना बिजली सुविधा, ना सड़क सुविधा, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वो हमें भूमि दी जा रही है। इसी के खिलाफ हमने आज की रैली निकाली हुई है। DCRNR ऑफिस के बाहर होगा, क्योंकि हमें हमारे जो वही मुआइंदे हैं उनको ही मतलब डैम वासियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रखा गया है, लेकिन उनकी तरफ से आज दिन तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे डैम वासियों को कोई मतलब हल मिला हो, उनकी प्रॉब्लम का कोई हल हुआ हो। अभी हमारे पिछले महीने हमारा एक वतन सिंह जी नाम के जो डैम वासी थे उनको उनकी ज़मीन से राजस्थान से उठा लिया गया। 10 दिन बाद उनको उनके घर पर पहुँचे वो सकुशल, वो भी हमारी पूरी एफर्ट करने के बाद। यहाँ से हम DC जी के पास गए धर्मशाला और SSP ऑफिस जाके कंप्लेंट लिखाई है, उनको बताया है कि हमारे SSA वतन सिंह जी को उठा लिया गया है, तो उनको जो है सकुशल वापस लाया जाए। तो अगर क्या गवर्नमेंट हमें ये मतलब सहारना देती है कि अगर हमें कोई मुरब्बा वहाँ पे मिल भी जाता है तो हमारे जो डैम होती हैं वो वहाँ अपनी मर्जी से उसे सुरक्षित तरीके से उसे उपजाऊ बना सकते हैं और खेती कर सकते हैं वहाँ पर? तो इन्हीं मांगों को लेकर हम आगे आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें चक्का जाम भी शामिल होगा। हम गवर्नमेंट को नोटिस देने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो डैम वासियों का जो मुद्दा पिछले 50 सालों से लटका हुआ है उसे हल करे, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। हम वोटिंग को भी, हम जो आगे आने वाले इलेक्शन है उनका भी बहिष्कार करेंगे और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने गाँव में क्या, घरों में क्या, गाँव में नहीं घुसने देंगे। रजत ऑटोमोबाइल भूल ज्वाले की ओर से सभी प्रदेश वासियों और जिले वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज और विश्वकर्मा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं।
रजत ऑटोमोबाइल भूलच वाले भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। रजत ऑटोमोबाइल भूल ज्वाली की ओर से आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हीरो शुभकामनाएं। JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।